कोरोना को लेकर प्रशासन की ओर से बरती जा रही सतर्कता कारगर साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के कटघोरा मस्जिद से एक और मरीज कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे करीब 20 लोगों को धार्मिक स्थल पर ही शासन ने क्वारंटाइन किया था। इन सभी लोगों का सैंपल जाँच के लिए भेजा गया था, जिसमें एक नाबालिग जो 16 साल का है वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरबा जिला प्रशासन ने इस नाबालिग संक्रमित मरीज को रायपुर एम्स रेफर कर दिया है। कोरबा के कलेक्टर किरण कौशल ने मरीज की पुष्टि करते हुए बताया कि कोरबा जिले के कटघोरा शहर के 2 मस्जिदों में मरकज से लौटे लोग ठहरे थे। शासन को पता चलने पर इन सभी लोगों को वहीं मस्जिद में ही क्वारंटाइन किया गया था। संक्रमित नाबालिग महाराष्ट्र कामठी का मूल निवासी है, जिसमें कोरोना संक्रमण मिला है। प्रशासन इस मरीज के संबंध में जानकारी लेने में जुट गया है। इधर और भी लोग जो मरकज से लौटे थे उनके जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कोरबा जिले में मरकज से संबंधित जो लोग आए हुए थे बाहर से, उन सभी को जो है दीपका के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन करके रखा गया है। ऐसे कुल 20 लोग हैं जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इसके साथ ही एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग मस्जिदों में बाहर से आए हुए लोगों को मस्जिद में ही क्वारंटाइन करके रखा गया था और उन लोगों के सैंपल भी परीक्षण के लिए सिम्प्टोमेटिक और असिम्प्टोमेटिक दोनों ही दशाओं में भेजे गए थे। उनमें से एक युवक जो कि कटघोरा में की एक मस्जिद में रुका हुआ था एवं जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसका लोकल कटघोरा या कोरबा में उसका मूल निवास नहीं है, बाहर से आया हुआ है, उसका जो है टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसका हम लोग जो है एम्स रायपुर में उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको भेज रहे हैं एवं साथ ही जो है वहाँ पर उसके साथ में रुके हुए सभी लोगों को लॉकडाउन के साथ ही क्वारंटीन करके वहीं पर रखा गया है एवं उनके सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होते ही अकॉर्डिंगली हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि 19 मार्च से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में कुल 10 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 5 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट गए हैं। हालांकि अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी चिकित्सकों ने सभी 5 मरीजों को होम आइसोलेशन में 14 दिन रहने की सलाह भी दी है। इस तरह वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कोरोना से संक्रमित 6 मरीज अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।